आइए एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 0.6 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 3 से पास करने वाले सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कोई सर्कल है जिस पर तीन पॉइंट दिए हुए हैं ए बी और सी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 6, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 माइनस 7 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 3। सर्कल के सेंटर को हम पॉइंट पी मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पी ए लाइन को मिला देते हैं, पी सी लाइन को भी मिला देते हैं और इसी तरह पी बी लाइन को भी मिला देते हैं। पी ए पी बी पी सी तीनों सर्कल के रेडियस है। लेट पी एक्स वाई इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड लेट द पॉइंट 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 एंड 3 3 बी रिप्रेजेंटिंग ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली विच इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। हमने P पॉइंट को सेंटर माना है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिया है। पॉइंट 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 3 3 को ए बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं और ये तीनों पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हैं। पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। पी ए पी बी और पी सी तीनों इस सर्कल के रेडियस हैं, तो तीनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। सबसे पहले हम पी ए डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पी ए इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वन वाई वन, हम एक्स वाई को मान लेते हैं और एक्स टू वाई टू ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। तो पी ए हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और पी बी होगा इसी तरह, पी बी इज इक्वल टू होगा एक्स वन वाई वन तो हम एक्स वाई को ही मान लेते हैं और एक्स टू वाई टू बी पॉइंट कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो पी बी इज इक्वल टू रूट अंदर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और पी सी होगा रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये तीनों डिस्टेंस जो आए हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आए हैं। ए बी कोई डिस्टेंस है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू डिस्टेंस होगा डी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे बेस होकर हमने पी ए पी बी और पी सी डिस्टेंस निकाली है। नाउ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। पी ए और पी बी दोनों इस सर्कल के रेडियस हैं, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। देयरफॉर रूट अंडर 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड रूट है तो रूट को हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y। वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। दैट इज 36 प्लस 36 72 प्लस 12y माइनस 12x। 9 प्लस 49 58 और 58 को हम अगर अपोजिट साइड लाएंगे तो माइनस 58 हो जाएगा। माइनस 58 प्लस 6x माइनस 14y इज इक्वल टू 0। दैट इज 72 माइनस 58 14। 14 प्लस 12y माइनस 14y माइनस 2y माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x
इज इक्वल टू जीरो, दैट इज माइनस टू वाई माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, दैट इज माइनस टू कॉमन लेने पे थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन, माइनस माइनस कैंसिल, टू से फोर्टीन सेवन टाइम में डिवाइड होगा, दैट इज थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हमने पीए डिस्टेंस को पीवी के इक्वल लिया, अब हम पीसी डिस्टेंस भी पीए के इक्वल होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। नाउ पीए इज इक्वल टू पीसी, रेडियस ऑफ सर्कल। हम इन दोनों डिस्टेंस को इसलिए इक्वल ले रहे हैं कि पहले हमने दो डिस्टेंस को इक्वल करके एक इक्वेशन निकाली, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक और इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो दूसरा इक्वेशन हमें पीए इज इक्वल टू पीसी से मिलेगा। और पीए की वैल्यू हमने निकाली है अभी, रूट अंडर सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी, रूट अंडर थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करने पर, हम दोनों साइड स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि दोनों साइड रूट है और रूट में सॉल्यूशन मुश्किल होता है, इसलिए रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो दैट इज सिक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज थर्टी सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई, दैट इज थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सेवेंटी टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस ट्वेल्व वाई, नाइन प्लस नाइन एटीन, एटीन को अदर साइड लाएंगे तो माइनस एटीन हो जाएगा, माइनस एटीन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, दैट इज सेवेंटी टू माइनस एटीन फिफ्टी फोर, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व वाई और प्लस सिक्स वाई एटीन वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज माइनस सिक्स एक्स प्लस एटीन वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी फोर, दैट इज माइनस सिक्स कॉमन लेने पे एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी फोर, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज और सिक्स से फिफ्टी फोर नाइन टाइम्स में कैंसिल, तो एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन। इसे हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाला है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, और इक्वेशन सेकेंड निकाला है एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट, इक्वेशन सेकेंड है एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू नाइन, दैट इज एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई प्लस नाइन। इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है, यानी एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली है थ्री वाई प्लस नाइन, वो इक्वेशन फर्स्ट यानी थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन में पुट करने पे। इक्वेशन फर्स्ट है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, एक्स की वैल्यू थ्री वाई प्लस नाइन पुट करनी है हमें, दैट इज थ्री इंटू थ्री वाई प्लस नाइन प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, दैट इज नाइन वाई प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन, दैट इज टेन वाई इज इक्वल टू सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी, दैट इज वाई इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी अपॉन टेन इज इक्वल टू माइनस। पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में वाई की वैल्यू हम माइनस टू पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस टू प्लस नाइन इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू थ्री, हेंस एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू। देयरफॉर सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज थ्री एंड माइनस टू।